Dear students, in this lecture we will discuss about the types of corrosion. तो इस lecture में हम पढ़ेंगे कितने तरीके का क्षरण या संक्षरण होता है, corrosion कितने तरीके का होता है और उसको कैसे classify हम कर सकते हैं. अब corrosion को classify करने के method बहुत different हैं, अलग अलग तरीके के हैं. तो मैंने try किया है, I have tried to compile एंड मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड. मैंने इसको कंपाइल किया है और आपके लिए इस तरीके से कंपाइल किया है कि आप उसको समझ सकें, थोड़ा ईजी वे में समझ सकें. तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें इन जनरल, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से. और क्लासिफिकेशन इसका जो है वो अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोरोडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म और थ्योरी ऑफ कोरोजन, और ऑन द बेसिस ऑफ कोरोडेड मेटल क्वालिटी और इट्स अपीरियंस. तो तीन तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. मेन जो क्लासिफिकेशन है ये हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो है कोरोडेंट का नेचर क्या है. कोरोडेंट मतलब जिसका कोरोजन हो रहा है. जिसका कोरोजन हो रहा है वो कौन है? कोरोडेंट. तो ये कोरोडेंट है. कोरोडेंट जो है वो कैसे नेचर का है, वो इम्प्योर है या वो प्योर है, इस पर डिपेंड करेगा. फिर मैकेनिज्म और थ्योरी. अब हम इससे पहले उसकी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, थ्योरीज पढ़ चुके हैं. तो किस मैकेनिज्म से कोरोजन होता है उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन हो सकता है, या फिर क्लासिफिकेशन हो सकता है बेस्ड ऑन कोरोडेड मैटर क्वालिटी. जो मेटल कोरोड हो चुका है वो कैसा दिख रहा है उस पर बेस्ड हो सकती है कोरोजन की टाइप. जो नेचर ऑफ कोरोडेंट है, अब हम उसको पहले लेते हैं, सबसे पहले हम उसी को लेंगे. तो आप देखेंगे जो नेचर ऑफ कोरोडेंट है वो दो तरीके से डिवाइड करता है कोरोजन को. एक है ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन, दूसरे तरीके का कोरोजन. इनके अगर हम दूसरे नाम देखें तो हम वैसे ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं, हम इन दोनों तरीके के कोरोजन्स को पढ़ चुके हैं. तो ड्राई कोरोजन को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है एटमॉस्फेरिक कोरोजन. क्योंकि ये जो कोरोजन होता है ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से. तो अगर हम रिकॉल करें ड्राई कोरोजन को, जिसको हम केमिकल कोरोजन भी कहते हैं, अगर आप ड्राई कोरोजन को रिकॉल करें तो आप ये पाएंगे कि ड्राई कोरोजन कैसे होता है. अगर मेटल किसके संपर्क में आ जाए? ऑक्सीजन के, एटमॉस्फेयर के संपर्क में. अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है. इस तरीके की गैसेस के संपर्क में आने से कोरोजन हो सकता है. अब इस कोरोजन में आपने देखा, आपने तीन तरीके के कोरोजन पढ़े इसमें भी. इसमें आपने पढ़े एक तो ऑक्सीडेशन कोरोजन है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोरोजन होता है, ऑक्साइड लेयर्स बनाती है मेटल सरफेस पर. दूसरा आपने पढ़ा है जिसमें और दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है. ये गैसेस भी कोरोड कर सकती हैं मेटल को. डायरेक्ट रिएक्शन है, ड्राई कोरोजन है, ड्राई है, ड्राई रिएक्शन है, क्योंकि केवल एटमॉस्फेरिक गैसेस और समटाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड मेटल. जैसे थर्ड टाइप आपने पढ़ा था लिक्विड मेटल, जैसे अगर मरकरी का अगर हम लिक्विड ले लें और उसको पास करें तो वो क्या बनाता है? अमलगम बनाता है. तो वो क्या है? ड्राई कोरोजन का पार्ट है. तो ये अपने एटमॉस्फेयर से, जो मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर सकते हैं. इस तरीके का कोरोजन क्या कहलाता है? ड्राई कोरोजन. उसको आप जो हमने ड्राई कोरोजन पढ़ा है वो पूरा डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपके उसमें क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में कि टाइप्स ऑफ कोरोजन को डिफाइन करिए, तो ड्राई कोरोजन में आप कंप्लीट ड्राई कोरोजन को डिफाइन कर सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन है. ऐसे ही वेट कोरोजन भी हम पढ़ चुके हैं. वेट कोरोजन हम किसे कहते हैं? इमर्ज्ड कोरोजन को. वेट कोरोजन कब होगा? अब देखिए नेचर ऑफ कोरोडेंट पे भी डिपेंड करता है. तो ड्राई कोरोजन कब होता है? ड्राई कोरोजन तब होता है जब मेटल प्योर होता है. मेटल जनरली जब प्योर फॉर्म में होगा तो फिर ड्राई कोरोजन होगा. ड्राई कोरोजन प्योर फॉर्म में होगा, जनरली होता है प्योर फॉर्म में, और डायरेक्ट जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं या कुछ लिक्विड मेटल है उनसे रिएक्ट करके कोरोजन करता है. वेट कोरोजन कब होगा? जब क्या होगा? इम्प्योर मेटल जनरली होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था
हाइड्रोजन इवोल्यूशन कब होता है? जब मेटल इम्प्योर होता है, क्योंकि जहां पर इम्प्योर होगा उस जगह पर कैथोड बनेगा, और जहां पर मेटल प्योर होगा वहां पर क्या बनेगा? एनोड बनेगा। तो इसलिए ये जो वेट कोरोजन है इसको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि जब मेटल्स क्या होते हैं, जनरली इम्प्योर होते हैं, तो वो वेट कोरोजन के थ्रू क्या होते हैं, कोरोड होते हैं। और इसको हम इमर्ज कोरोजन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम इमर्ज कोरोजन है। इमर्ज मतलब डूबा हुआ। तो अगर कोई मेटल किसी जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में डूब गया, उसके अंदर मैंने आपको इसमें पहले भी बताया था वेट कोरोजन में जैसे हाइड्रोजन इवोल्यूशन होता है, तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन जब होता है तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन कब होता है? जब उसमें जो एक मेटल है उसके साथ कोई दूसरे मेटल की इम्प्योरिटी होती है और वो किसी एसिड में डिप्ड हो, तो फिर क्या होता है? हाइड्रोजन इवोल्यूशन होता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो नेचर ऑफ कोरोडेंट है इस पर, ये इस पर जो डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है वो है ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन तब होगा जब मेटल प्योर होता है जनरली, वेट कोरोजन जब इम्प्योर मेटल होगा, और इसको इमर्स कोरोजन भी कहते हैं वेट कोरोजन को, ड्राई कोरोजन को एटमोस्फेरिक कोरोजन भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमोस्फेरिक कोरोजन एंड इमर्स कोरोजन, तो आपने किसको लिखना है? एटमोस्फेरिक में लिखना है ड्राई कोरोजन के बारे में, पूरा कंप्लीट आप लिख सकते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ा है, और वेट कोरोजन में आप हाइड्रोजन इवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, इमर्स कोरोजन के बारे में, यानी इमर्स का मतलब क्या है? वेट कोरोजन। तो ये इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है मैकेनिज्म बेस्ड। तो मैकेनिज्म बेस्ड जो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? डायरेक्ट केमिकल करोजन एंड इनडायरेक्ट केमिकल करोजन। तो जो डायरेक्ट केमिकल करोजन है, डायरेक्ट का मतलब क्या है? मेटीरियल इट्सेल्फ ससेप्टेबल। अब हमने नाम बदल दिया है, एक्चुअली डायरेक्ट ड्राई कोरोजन ही है लेकिन हमने उसको अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। डायरेक्ट मीन्स मेटल जो है वो इट्सेल्फ ससेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन को रख दीजिए एटमोस्फेयर में, ऑटोमेटिकली इट विल कोरोड, ऑटोमेटिकली कोरोड हो जाएगा क्योंकि वो मटीरियल ही ऐसा है। और किस किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा? डायरेक्ट केमिकल कोरोजन होगा, डायरेक्ट रिएक्शन होगी, मेटल और एनवायरमेंट की डायरेक्ट रिएक्शन होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट केमिकल कोरोजन। दूसरा जो मेथड है इनडायरेक्ट केमिकल कोरोजन। तो इनडायरेक्ट केमिकल कोरोजन क्या है? एक्चुअली ये जो केमिकल कोरोजन है, इनडायरेक्ट केमिकल कोरोजन, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन किसका पार्ट था? वेट कोरोजन का पार्ट था। तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं, कोई क्लासिफिकेशन के अंदर वो हमने बेस अलग चेंज कर दिया। तो यहां पर क्या होगा? इनडायरेक्ट केमिकल का मतलब है जो मेटल है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि एक मेटल को दूसरे मेटल की जरूरत होगी तब वो कोरोड होगा। अगर वो अकेला मेटल होगा तो वो कोरोड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके लिए भी किसकी जरूरत है? इम्प्योरिटी की जरूरत है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप कोरोजन है, यानी एक मेटल होना चाहिए जरूर, दूसरा मेटल होगा तभी एक मेटल पर क्या होगा? कोरोजन होगा। जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे हमने देखा आयरन और कॉपर का पाइप था, दो मेटल थे, जहां पर इम्प्योरिटी थी वहां पर क्या हो रहा था? केमिकल कोरोजन हो रहा था। तो इनडायरेक्ट केमिकल कोरोजन है, इनडायरेक्ट मीन्ट अपने आप नहीं होगा, कोई और की जरूरत है उसको। किसकी जरूरत है? एक और मेटल की जरूरत है। वो मेटल, एक मेटल, वो जो मेटल है वो क्या बनाएगा? कैथोड बनाएगा। जो मेटल पर कोरोजन होना है उससे कम एक्टिव मेटल चाहिए, तो उससे अगर कम एक्टिव मेटल होगा तो फिर मेटल पर क्या होगा? कोरोजन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए कार्बन और स्टेनलेस स्टील अगर साथ हो, मान लीजिए तो अगर कार्बन और स्टेनलेस स्टील साथ होंगे तो कार्बन का क्या होता है? कोरोजन होगा। अब कार्बन का कोरोजन जो है वो फास्ट तब होगा जब स्टेनलेस स्टील होगा, अकेला नहीं होगा कार्बन का जो कोरोजन है, तो उसकी अब्सेंस में तो इतना फास्ट नहीं होगा जितना उसकी प्रेजेंस में होगा। ऐसे ही आप देखेंगे जो आयरन का कोरोजन है वो कॉपर की प्रेजेंस में फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको एक मेटल की जरूरत है, बिना दूसरे मेटल के वो कोरोजन नहीं हो सकता, इसलिए वो इनडायरेक्ट है, उसको जरूरत है किसी की, इनडायरेक्ट कोरोजन। लेकिन है वो किस टाइप का? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है, वो सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन।
अब दूसरा अगर हम इसमें देखें, एक और हम इसमें कोरोजन डाल सकते हैं इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में, दैट इज स्ट्रे करंट कोरोजन। अब स्ट्रे करंट कोरोजन क्या है? स्ट्रे करंट कोरोजन है, दिस इज अ काइंड ऑफ कोरोजन इन विच मेटल स्ट्रक्चर्स लाइक पाइप, गैस पाइप्स, केबल शीट्स नियर द डीसी सर्किट कोरोड्स ड्यू टू लीकेज इन द मेन सर्किट। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, मेटल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पाइप होते हैं, वाटर पाइप होते हैं, केबल की जो कवर होता है, केबल डली होती है, टेलीफोन की तार होती है, बिजली की तार होती है जमीन के नीचे, तो वो अगर किसी डीसी सर्किट के पास में हो ऐसी केबल्स, और अगर लीकेज हो जाए मेन सर्किट से, तो फिर क्या होता है, स्ट्रे करंट कोरोजन होता है। स्ट्रे करंट कोरोजन भी एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। तो आप बताइए क्या होता है, दो तरीके के मैकेनिज्म बेस्ड दो तरीके के कोरोजन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट केमिकल कोरोजन, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी मेटल की, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट, यानी उसको कोरोड होने के लिए दूसरे मेटल की जरूरत होगी तब वो कोरोड हो पाएगा। तीसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो है कोरोडेड मेटल क्वालिटी, या उसकी अपीरियंस कैसी है, वो कैसा दिखेगा कोरोजन के बाद, उस पर डिपेंड करेगी उस थर्ड टाइप ऑफ कोरोजन की टाइप। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है लोकलाइज्ड कोरोजन और दूसरा होता है यूनिफॉर्म कोरोजन। तो इनको हम देख सकते हैं डिटेल में, क्योंकि बाकी जो टाइप्स हैं वो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम जो दो तरीके के लोकलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म जो क्लासिफिकेशन है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, जो लोकलाइज्ड टाइप का जो कोरोजन है उसमें फर्दर हम उसके अंदर कुछ कोरोजन्स पढ़ सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन मिले लोकलाइज्ड टाइप ऑफ कोरोजन, जो कि बेस्ड है कि जो अपीरियंस है मेटल का कोरोजन के बाद कैसा होगा। तो कोरोजन के बाद जो मेटल का जो सरफेस है वो कैसा होगा, वो रफ हो सकता है या एक ही जगह पर हो सकता है पॉइंटेड, और या फिर पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्म हो सकता है। तो ये जो लोकलाइज्ड है ये मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर ही कोरोजन होगा। तो इसको हम देखिए तीन तरीके से डिवाइड कर पा रहे हैं, एक है क्रिवाइस, देन पिटिंग कोरोजन एंड स्ट्रेस कोरोजन। तीन एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और डिफरेंट टाइप का ये हो सकता है लोकलाइज कोरोजन। और लोकलाइज कोरोजन तो होता है जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं उसमें, तो ये होता लोकलाइज्ड है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये कोरोजन होता है। अब ये देखिए लोकलाइज्ड कोरोजन, लोकलाइज कोरोजन में क्या है, क्रिवाइस। अब क्रिवाइस किसे कहते हैं, हम दरारों को कहते हैं, दरार हो जाती है अगर किसी मेटलिक सरफेस पर दरार हो जाए, तो दरार जो है अगर होगी, क्रिवाइस अगर होगी उसमें, तो वो क्रिवाइस की वजह से उसमें जो क्या होगा, क्योंकि अगर उसमें आपने देखा, इससे पहले हमने पढ़ा था कोरोजन, जैसे पिटिंग कोरोजन आप देखेंगे वो हमने वेट कोरोजन में पढ़ा था, जहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई थी, कुछ उस तरीके से ही समझ लीजिए। तो कहीं पर अगर दरार होगी, कहीं पर अगर पिट फॉर्मेशन होगा, तो दरार तो लंबी होती है, पिट मतलब एक गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा हो जाएगा। तो अगर क्रिवाइस फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि किसकी वजह से हो सकता है, डर्ट की वजह से या क्रैक्स की वजह से, जो कोटिंग है पेंट की, कोटिंग अगर क्रैक हो जाए तो दरार हो जाएगी, ठीक है, क्रैक इन पेंट कोटिंग। तो इसकी वजह से जो दरारें बनती हैं उसके थ्रू क्या होता है, वहां पर पानी की ड्रॉप अगर पड़ेगी तो फिर किस तरीके का सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर बनेगा तो, लेकिन जो पर्टिकुलर जो रस्ट फॉर्मेशन होता है वो कैथोड के ऊपर होगा, और इस तरीके से एक पर्टिकुलर पोजिशन पर ही क्या होगा, रस्ट फॉर्मेशन होगा या कोरोजन होगा। अब अगर हम पीटिंग कोरोजन देखें, तो पीटिंग कोरोजन तो बिल्कुल किसका एग्जांपल है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीजन इवोल्यूशन का, ये दोनों ही उसी के एग्जांपल है, लेकिन इसमें पिट का फॉर्मेशन होगा, क्रैकिंग ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म, फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज और होल्स की वजह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनेंगे, और यहां पर जो होगा वो लोकलाइज्ड कोरोजन होगा, क्योंकि कोरोजन जो है वो पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, जहां पर पिट होगा वहीं पर, या जहां पर होल होगा, या जहां पर कैविटी होगी, या जहां पर क्रिवाइस होगी, वहां पर कोरोजन होगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा।
फिर अगर हम देखें स्ट्रेस कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन अगेन इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड कोरोजन. लोकलाइज्ड कोरोजन का एग्जाम्पल है स्ट्रेस कोरोजन, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से होगा ये. किसी भी मेटल की सरफेस पर अगर स्ट्रेस हो गया, दिस इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कोरोसिव एनवायरमेंट. दोनों चीजें चाहिए, एक तो स्ट्रेस होगा उसमें कुछ उसकी बॉडी में, दूसरा उसको कोरोसिव एनवायरमेंट मिल गया. कोरोसिव एनवायरमेंट मीन्स पानी मिल गया या कोई एसिड मिल गया, इस तरीके का अगर उसको एनवायरमेंट मिल गया तो उसमें कोरोजन होगा. दूसरा उस पर स्ट्रेस तो है अपने आप में, तो दो चीजें चाहिए, स्ट्रेस प्लस कोरोसिव एनवायरमेंट. तो अगर कोरोसिव एनवायरमेंट चाहिए तो इसका मतलब वो कैसा है, वेट टाइप कोरोजन है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप कोरोजन होगा. तो दो चीजें चाहिए जहां पर भी, कोरोसिव एनवायरमेंट चाहिए और मेटल चाहिए, तो इसका मतलब वो वेट टाइप होगा. कोरोसिव एनवायरमेंट मीन्स लिक्विड, अगर हम लिक्विड में अगर हमें चाहिए. तो यहां पर देखिए दो तरीके के हम यहां पर दिखा रहे हैं, जैसे हमने यहां पर दिखाया एक तो ग्रेन, ग्रेन का दिखाया है. तो ये एक ग्रेन है, जैसे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं उनमें ग्रेन्स के बने हुए होते हैं, तो एक ग्रेन है दूसरा ग्रेन है, तो इन ग्रेन्स के बीच में स्ट्रेस आ गया है. तो यहां पर जो स्ट्रेस्ड पार्ट है वो क्या बनाता है, एनोड. जो स्ट्रेस्ड पार्ट है वो क्या बनाएगा, एनोड, और जो स्ट्रेस पार्ट नहीं है वो क्या बनाएंगे, कैथोड. तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो यहां पर क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम ये देखें तो हम ये मान सकते हैं कि एक सरिया आप जानते हैं लोहे की, मान लीजिए मुड़ी हुई है, तो यहां पर क्या आ गया, इसके स्ट्रेस, जहां पर मोड़ा है इस पार्ट पर स्ट्रेस होने की वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, एनोड. जहां पर स्ट्रेस होगा वहां पर एनोड, और ये जो मेजर पार्ट है जहां स्ट्रेस नहीं है वो क्या है, कैथोड. और यहां पर मीडियम भी देखिए आप, एक्वस मीडियम भी, उसको कोरोसिव एनवायरमेंट भी मिल गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस प्लस कोरोसिव एनवायरमेंट, दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कोरोजन हो जाएगा. क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, और उसकी वजह से इस पार्ट पर क्या होगा, कोरोजन होगा, एनोडिक पार्ट पर कोरोजन होना शुरू हो जाएगा. तो ये जो लोकलाइज्ड कोरोजन है ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का उसमें जो मेटल की सरफेस है उसमें किस तरीके के स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, पिट हो सकते हैं, क्रिवाइस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से लोकलाइज्ड कोरोजन हो सकता है. सेकेंड टाइप का अगर हम कोरोजन देखें ऑन द बेसिस ऑफ अपीरियंस, तो वो यूनिफॉर्म कोरोजन है. और यूनिफॉर्म कोरोजन मतलब कि कोरोजन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज यूनिफॉर्म, पूरी सरफेस पे एक सा रस्ट फॉर्मेशन होगा. तो कास्ट आयरन जो है ये यूनिफॉर्मली कोरोड हो सकता है इन ओपन एटमॉस्फेयर, सॉइल और नेचुरल वाटर. ये तीनों कंडीशंस में कोई भी आयरन जो है वो क्या हो सकता है, कोरोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली कोरोड होता है. इन ओपन एटमॉस्फेयर जनरली O2 जो है वो ऑक्सीजन, ये है प्राइमरी कॉज ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन. तो ऑक्सीजन की वजह से आयरन जो है वो कोरोड हो सकता है, यूनिफॉर्म कोरोडिंग होगी इसमें, पूरे सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर आएगी. तो इसको हमने क्या कहा था, ड्राई कोरोजन. ये ड्राई कोरोजन भी है बट यहां पर ये यूनिफॉर्म कोरोजन भी है, ड्राई यूनिफॉर्म कोरोजन. तो या फिर हम इसको डायरेक्ट कोरोजन भी कह सकते हैं. तो इसमें तीनों क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड है. और अगर हम देखें सॉइल, सॉइल के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, सॉइल के जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, एसिडिटी ऑफ सॉइल, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, ये सब अफेक्ट कर सकती है. तो अगर सॉइल में कोई मेटल अंदर रह गया है तो ये इनमें से कोई भी फैक्टर अगर अफेक्ट करता है तो उसमें यूनिफॉर्म कोरोजन होगा. और इस कोरोजन को हम क्या कह सकते हैं, सॉइल कोरोजन. ये सॉइल कोरोजन हो सकता है क्योंकि सॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके एनवायरमेंट में, उसकी वजह से ये कोरोजन हो रहा है. लेकिन जो कोरोजन होगा वो थ्रू आउट द सरफेस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म कोरोजन के अंदर भी रख सकते हैं. अब हम देखेंगे कि हम कैसे इनको कुछ कुछ मेथड्स, कुछ कुछ जो क्लासिफिकेशन है उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन से भिन्न है, अलग है, कैसे वेट कोरोजन ड्राई कोरोजन से अलग है. ये डायरेक्ट कोरोजन, डायरेक्ट कोरोजन को हम केमिकल कोरोजन भी कहते हैं. इनडायरेक्ट कोरोजन, इनडायरेक्ट कोरोजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं. तो डायरेक्ट कोरोजन
या फिर केमिकल कोरोजन में हमें क्या चाहिए, अटैक ऑफ गैसेस और लिक्विड डायरेक्ट ऑन द मेटल सरफेस. जो अटैक होगा वो डायरेक्ट कहाँ होगा, मेटल सरफेस पे होगा. जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा, अटैक ऑफ वाटर और लिक्विड मीडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऑन द मेटल सरफेस. डायरेक्ट में क्या होगा, मेटल डायरेक्ट रिएक्ट करेगा एटमोस्फेरिक गैसेस से और लिक्विड से. और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा. और अटैक कौन करेगा, वाटर और लिक्विड मीडियम अटैक करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, कोरोजन होगा. अगर हम ड्राई एंड वेट कोरोजन में अंतर देखें तो क्या अंतर है, देखिए वेट कोरोजन के लिए क्या जरूरी है, कंडक्टिंग मीडियम, जबकि ड्राई कोरोजन के लिए कोई कंडक्टिंग मीडियम की जरूरत नहीं है. जो वेट कोरोजन है वहां पर क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं, जबकि ड्राई कोरोजन में क्या होता है, डायरेक्ट अटैक करता है केमिकल मेटल की सरफेस पर. ये वेट कोरोजन होता है बहुत फास्ट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं और जल्दी से कोरोजन हो जाता है. ड्राई कोरोजन स्लो प्रोसेस है क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रोसेस है, एटमोस्फेरिक प्रोसेसेस जनरली स्लो होती हैं, तो ये एक स्लो प्रोसेस है. वेट कोरोजन को देखें तो वेट कोरोजन कैसा है, एनोड पर रस्ट, जो कोरोजन है वो तो एनोड पर होता है लेकिन रस्ट कहाँ अपीयर होगा, कैथोड पर. जबकि यहां पर ड्राई कोरोजन में जहां पर कोरोजन होगा वहीं पर प्रोडक्ट भी दिखाई देगा. जो प्रोडक्ट है वहीं वो कहाँ होगा, जहां पर कोरोजन होगा. लेकिन यहां पर वेट कोरोजन में क्या होगा, कोरोजन तो होगा एनोड पर लेकिन रस्ट कहां पर दिखेगा, कैथोड पर दिखाई देगा. और अगर हम देखें तो वेट कोरोजन में जो एनोडिक पार्ट साइज है वो अफेक्ट करता है कोरोजन को, कि एनोडिक पार्ट अगर बड़ा होगा तो वहां पर कोरोजन कहां पर होना, एनोडिक पार्ट पर, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा एनोडिक पार्ट है. जबकि यहां जो ड्राई कोरोजन है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कोरोजन होता है, यूनिफॉर्मली कोरोड होता है मेटल सरफेस. तो यूनिफॉर्मली कोरोड होने की वजह से इसको हम यूनिफॉर्म कोरोजन के अंदर भी रख सकते हैं. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन. आपको समझ में आया होगा कोरोजन किसे, कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. हम उसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. कोरोडेंट क्या था, प्योर था कि इम्प्योर था. दूसरा, मैकेनिज्म क्या थी, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही थी कि इनडायरेक्ट हो रही थी. तीसरा, जो अपीयरेंस है मेटल के ऊपर वो कैसी है, क्या वो यूनिफॉर्म है या वो लोकलाइज्ड है. उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं और उनको फिर हम डिफरेंट अंडर में डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम उनके कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको दिया गया है. नेक्स्ट वीडियो होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो होगी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को अफेक्ट कर सकते हैं.